जी सर, आज जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, क्या हुआ सर? देखिए, आज बहुत सारे केसेस, कोई कह रहा था 70-75, कोई कह रहा था 100 से ज़्यादा केसेस फाइल हुए, और बहुत सारे वो केसेस कोर्ट के सामने थे, इसलिए वकील भी बहुत सारे थे, और खचा खच भरा था चीफ जस्टिस का कोर्ट। अंदर तक जाने का बहुत मसला था, कोई बाहर से अंदर जाना चाहे, और बहुत अच्छी बातें कही गई, अच्छी बहस हुई। और मैं ये मानता हूँ कि चीफ जस्टिस ने, 3 जजेस का बेंच था, चीफ जस्टिस ने बहुत धैर्य से, बहुत सुकून से, बड़े आराम से बात को सुना, और कोशिश ये कर रहे थे कि हर एक की बात को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लें, कहीं ना कहीं उसके लिए कोई व्यवस्था बना लें। पहले तो यही कहते रहे कि इतने लोग एकदम से कोर्ट में आ जाते हैं तो कैसे इस केस को हम लोग सुनेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे बात ये हुई कि इसके जो केस के जो भी मुख्य मुद्दे हैं उन पर बहस कैसे होगी। तो उसमें असम और त्रिपुरा, जिसमें के कुछ केसेस में मैं भी था, असम और त्रिपुरा की ओर से ये कहा गया कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो कुछ और है, और जो हमारा जो अप्रोच है वो कुछ और है, इसलिए हमारे केसेस को अलग करके सुन लें। और पूरे भारतवर्ष में जो भी लोगों की, जो लोगों की इच्छा अनुसार भारतवर्ष में जो जगह जगह पर लोगों को जहाँ पे भी शिकायत है वो कोर्ट आए हैं, तो उनकी बात अलग सुन लें। तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि ऐसा ही हम लोग करेंगे, कि असम त्रिपुरा का अलग से सुनेंगे, ये अलग से सुनेंगे, लेकिन सारे ही केसेस में, बिना एक केस को छोड़े, सारे केसेस में उन्होंने नोटिस दिया और सरकार से अपेक्षा की कि उसका वो जवाब दे। सरकार ने 6 हफ्ते मांगे थे जवाब देने के लिए, लेकिन सरकार को सिर्फ 4 हफ्ते दिए, और कहा कि हम 5वें हफ्ते में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ओपन एंडेड हो कि अब 4 हफ्ते के बाद सुनेंगे तो कब सुनेंगे, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 5वें हफ्ते में, 4-4 हफ्ते के बाद 5वें हफ्ते में वो इस पर सुनवाई करेंगे, और कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि सुनवाई होगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, और लेकिन ये अभी एक ये नहीं कहा जा सकता कि इसका एक अंतिम निर्णय है, लेकिन संकेत थे कुछ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने होगी सुनवाई। और जो अभी जो उससे पहले इंटरिम रिलीफ मांगी गई थी कि अभी कार्रवाई ना हो, अभी किसी पर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसको फिर वापस लेने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े, इन सब पर उन्होंने कहा कि हम जो 5वें हफ्ते में, आज से 5वें हफ्ते में जब केस लगेगा तो उस वक्त इन सब पर चर्चा हो सकती है।